あれ？いいだこいいだこいいだこれ。तो हमारी राम प्यारी सुबह सुबह धुला रही है और हम खा रहे हैं पनीर, लेकिन इसको धुलवा के ले चलते हैं पटना। तो ये है पटना का राजस्थानी जलेबी, भाई बहुत फेमस है और इतना टेस्टी लगता है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज एक फिर नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और छत से हो रही है क्योंकि धूप निकला हुआ है बहुत ज़बरदस्त, और बहुत दिनों के बाद हमको लगता है कि 9 बजे धूप निकला है। जब से एनडीए का सरकार आया तब से धूप निकल रहा है, लेकिन लाइट 2 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं था, ना के बराबर था। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए, धूप देखते हैं हमारे अंदर भी जोश आ जाता है कि चलो निकलते हैं। यार गजब सीन है, ठंडा में धूप का वेट करते हैं, गर्मी में लगता है कि यार कब बंद होगा कि बाहर निकलेंगे, ऐसा सीन हो जाता है। ये देखो ऐसे कुहासा भी कुछ देर पहले मतलब एकदम पास में था, लेकिन अभी पूरा गाँव का खेत वगैरह खाली हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह सुबह हम खा रहे हैं पनीर और हमारी राम प्यारी धुला रही है, और ये इसको धुलवा के ले चलते हैं ना पटना, क्योंकि वहाँ ले जाके फिर धुलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला इसको यार धो के चमका दो पहले। तो धूप निकलने बाद निकल रहे हैं आज। तो भाई जिस लेवल से ठंडा पड़ रहा था ना, मतलब एकदम इंसान पक गया था, बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था, पूरा लग रहा था किडनी उडनी छेद करके अंदर चल जाएगा। फिलहाल धूप निकला है तो बॉडी में पूरा एकदम कहते ना कि वो एनर्जी आ गया है। अगर 22 जनवरी के आसपास ऐसा माहौल रहता ना तो मज़ा आ जाता एकदम, लेकिन उस टाइम तो ऐसा माहौल था कि बॉडी नहीं हिल रहा था किसी का कहीं। तो आप सोच रहे होंगे हम यहाँ क्या करना है, तो मेरे बाइक का जो चार्जिंग पॉइंट है वो ख़राब हो गया है, तो वही ठीक कराने के लिए आया हूँ। ये देखो ये जहाँ मोबाइल होल्डर है ना, यही ख़राब हो गया है, इसमें चार्ज ही नहीं उठा रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ कि कुछ भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, लेकिन खोलने के बाद पता चला कि इसके अंदर पिन में प्रॉब्लम है, मतलब तार सब ठीक है, तो फिर इसको चेंज करवाना पड़ेगा। गाइस 900 का नुकसान हो गया। तो अब अपना चार्जर ये ख़राब हो चुका है तो और दिक्कत हो गया, पता ही नहीं चल रहा है प्रॉब्लम क्या है इसमें। मतलब तार भी सही है लेकिन अंदर लगता है जो केबल लगता है ना वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। और बाइक से तो अपना ऐसा प्यार है ना कि बाइक पर बैठो तो मन करता है पटना होते हुए कहीं निकल जाए कितना भी दूर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। लड़कों का जो प्यार होता है ना बाइक से वो अलग लेवल का होता है। साउंड सुने बहुत दिन हो गया था। तो पीले पीले उमर रानी, तो सबसे पहले यहाँ फ्यूल डलवा लेते हैं गाड़ी में, भाई पूरा पैक हो चुके हैं, बोलना भी नहीं बन रहा है हमको यहाँ पे। इस बार एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि 26 जनवरी का जो था ना वो ढक गया था बिल्कुल, 22 जनवरी का कहर 26 जनवरी तक भी था, मतलब हर जगह जो झंडा देखने को मिल रहा है ना वो जय श्री राम का मिल रहा है, नहीं था मतलब कि वो लोग निकले नहीं थे अभी 22 जनवरी वाले फील्ड से। ये चीज़ देख के मज़ा आ गया। तो सामने आगे वाला गाड़ी कैसे चला रहा है, अरे भाई 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 भाई, भाई। इसका अलग लहरिया चल रहा है, देख रहे हैं भाई। अभी देखो हरन दे दिया ना और बेचैन होके चलाएगा, बेचैन समझते हैं ना, ये देखो आप कहीं भी गांव वाँव से गुजरोगे ना तो मजा आ जाता है। अरे हो गया निकल गई हवा भाई, हम लोग ऐसे चलाते बड़ा खराब लगता है, मतलब खुद मन नहीं करता ऐसे चलाने का।
ऑटोमेटिक गाड़ियाँ मेरे रास्ते में आ जाती हैं यार। उनको पता है कि जब हम जा रहे हैं तो रास्ता क्लियर रखो, ये छोटी मोटी गाड़ियों क्या बात करूँ यार, दुख होता है बहुत मुझे। भाई आगे वाले स्कॉर्पियो पर लिखा हुआ है कि भाई गाड़ी धुलवा ले। गजब सीन है यार, पूरा गंदा हो रखा है ना, तो किसी ने लिख दिया है पीछे और दिल का इमोजी बना दिया है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो। भाई एकदम रॉन्ग साइड में घुस के आ रहा है, एकदम इधर से साइड ही नहीं दे रहा है। देख रहे हो बोलेरो वाले को क्या चलाते हैं भाई, गाड़ी अपना पूरा साइड छोड़ के और हम लोग की तरफ आ जाएंगे। सुनते रहिए। और यहाँ पे जो ढाबा खुला है ना, इस पे ये देखो पूरा फोर्स की गाड़ी। ये क्या एनडीए का 57 वाले आए थे क्या यहाँ? और पूरा 5-6 गाड़ी है और सुरक्षा में 3-4 गाड़ी है भाई। ये ढाबा अभी मस्त चल रहा है यहाँ, बहुत बिजी रोड रहता है ये छपरा पटना हाईवे। इस प्रो प्लेयर के देखो पूरा स्टैंड ऊपर उठा के चल रहा है, मतलब गिरा हुआ है स्टैंड। सुनता नहीं है क्या? स्टैंड स्टैंड भाई, ये ऐसा टर्निंग है कि अगर थोड़ा सा भी टच हुआ ना तो फिर कांड हो जाएगा, गाड़ी स्केटिंग कर जाएगी पूरी। तो अभी पटना मरीन ड्राइव पे हैं और यहाँ का कैमरा चेकिंग शायद बंद हो गया है क्योंकि चालान किसी का भी नहीं कट रहा है अभी कुछ दिन से। ये देखो भाई ये देखो, पूरा फोर्स उतार दिया गया है हर तरफ, पटना का कवायद बदल दिया है। हमारे यहाँ बिहार में 2 ही साल का सत्ता होता है, आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपका मतलब समझिए कि मज़ा 2 ही साल है, तब तक सत्ता बदल जाता है। यहाँ हर जगह 5 साल का रहता है, हमारे यहाँ 2 साल। बिहार है भैया, आइए ना कभी हमारा बिहार में। तो अभी 8 बजने वाला है और तबीयत पूरा फिर से डाउन हो गया है क्योंकि जैसे ही ठंडा में गाड़ी चला रहे हैं ना, पता नहीं क्या हो जा रहा है, कॉफ टाइप का पूरा पकड़ ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी ठंडा है भाई, ये देखो कोहरा गिर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठंड उतना नहीं है जितना अभी 2 दिन पहले था। तो अभी मीठा खा के आते हैं नीचे से क्योंकि 8 बज गया है, थोड़ी देर बाद वो बंद करके चला जाएगा। तो हम बिहारी है, मीठा मतलब जलेबी खाते हैं। तो देखिए ये है राजस्थानी जलेबी और भाई एकदम गरम गरम बना के मिलता है। आप आइए, पैसा दीजिए और बनवाइए, लेके जाइए या फिर खा के जाइए, तभी हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। और ये रहे हमारे अतुल भाई, एकदम निशाना बना के खड़े हैं एकदम। तो ये है राजस्थानी जलेबी, खाइए और हमारे वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।